अभी सुबह का बज रहा है 10 और बस अब मेरा होने लगा है चाय नाश्ता। तो मैंने ये बॉयल्ड एग बस हल्के से घी में मैं फ्राई करने लगी हूँ और करूँगी भी नाश्ता। और इसके बाद मैं बताने वाली हूँ कि मुझे चीज आज क्या में करना है। नहीं अल्लाह करते अल्लाह अल्लाह रहमान और रहीम है, करते वही एक ज़ात है जो खिलाता है बिलाता है हर चीज़ के लिए, उसका शुक्र अदा करो। जिस हाल में वो रखता है ना, शुक्र है उसका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, हेल्दी होंगे, जवान फितरली। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ रेवड़ी रेवड़ी रेमेडी। ओके रेमेडी बताने वाली हूँ हेयर की, कि इससे ना हेयर बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। और विंटर, ये सर्दियों का सीजन चल रहा है, इससे स्कैल्प ड्राई हो जाती है, तो डैंड्रफ वगैरह भी बहुत हो जाती है। तो ये सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो मैं एक ऐसी रेमेडी आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ, और आज मैं कर रही हूँ, ज़्यादातर करती रहती हूँ। तो भारत जीने चढ़ क्या है वहाँ भारत। तो बस आप लोग बने रहे मेरे वीडियो में। और तो आइए, सबसे पहले तो मैं छत पे आई हूँ। तो मेरे घर में ना फ्रेश एलोवेरा ये लगा हुआ है, तो मैं ये एलोवेरा सबसे पहले ले लूँगी इसमें से। तो एलोवेरा का मैं यूज़ करूँगी अपनी रेमेडी में, और क्या क्या चीज़ें लगेंगी तो आप लोगों को सब बताऊँगी। बहुत ही सिंपल है, इजी है, बस कुछ नहीं। तो अभी मैं तोड़ लेती हूँ उसको। इतना काफ़ी है मेरे हेयर के लिए, और ये मैंने एलोवेरा ले लिया है। तो अब चलते हैं नीचे, और मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे रेडी करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलिए, ये देखिए, ये मेरी मेरा ये गार्डन कितना अच्छा लग रहा है ना। फूल कितने सारे आ गए इसमें? बहुत सारे, इतने आ गए, 2-3 हार बन जाएंगे। हाँ हाँ ये देखो, ये कलर अलग है और ये थोड़ा अलग वैरायटी का है। हाँ वो गेंदा अलग है, ये गेंदा अलग है, अच्छे लग रहे हैं, भरे भरे हैं ना तो और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो नीचे जल्दी से तैयारी, अब बताएं कैसे क्या, ठीक है? तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं ये एलोवेरा लाई थी, और मैंने इसका इस तरीके से ये ऊपर का पील पील कर दिया है, और इसका ये पल्प निकाल लेंगे। देखो, इसका पूरा पल्प निकाल के इसको हम मिक्सर में इसका पेस्ट बना लेंगे, ठीक है? फिर और बताते जाएंगे कि क्या इसमें यूज़ करना है क्या। तो बस सब लगाना स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले आपको बता दें कि एलोवेरा में मुझे क्या क्या यूज़ करना है, और जो सारी चीज़ें हैं मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगी कि ऑयल और मुझे क्या क्या चाहिए। तो आपको बताते हैं, और मैंने अपने हेयर जो मैंने ड्राई हैं उनको सुलझा लिया है ताकि ऑयल अच्छे से इसमें अप्लाई हो जाए। तो ये देखिए, मैंने ये एलोवेरा को कितने अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया, और इसमें क्या लगेगा, नींबू, और ये विटामिन ई का कैप्सूल, और ये सीजर आप देख रहे हो। तो मैं बताऊंगी आगे क्या यूज़ होने वाला है इसका। और सरसों का तेल, प्योर सरसों का तेल है, और मैंने बाउल ले लिया है कांच का नॉर्मल सा। तो हम सारे चीज़ों को एक साथ में मिक्स करेंगे, और एलोवेरा का यूज़ जो है ना, इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं इसमें। 90% पानी होता है, ये जड़ों से हमारे बालों को मजबूत बनाता है, और ये हमारे स्कैल्प को भी साफ रखता है, और डैंड्रफ से भी बहुत ज़्यादा निजात मिलती है। और एलोवेरा के बहुत सारे कई फ़ायदे होते हैं, और नींबू बालों के लिए तो सभी लोग जानते होंगे कि कितना ये फ़ायदेमंद होता है। इससे भी डैंड्रफ कम होता है, और ये बालों से को झड़ने से बचाता है,
और रूखापन दूर करता है बालों का, और विटामिन ई का कैप्सूल भी बालों को जड़ों से मजबूत करता है और ये बालों में शाइन देता है, मजबूत बनाता है और इससे भी बाल सिल्की और हेल्दी हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे बालों के लिए। तो जब हम इनको एक साथ लगाएंगे और जब उसको हम ऑयल के साथ अप्लाई करेंगे, तो सरसों का तेल तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। तो बस हम इसको ऑयल में मिक्स करके बहुत ही अच्छी से ये देखिए इनको हम लगाते जाएंगे। इस मिक्सचर को अच्छे से हमें अपने बालों में अप्लाई करना है, बालों की जड़ों में, स्कैल्प में अच्छे से मसाज देनी है, बहुत ही अच्छे से हमें उसको लगाना है नीचे और पूरे बालों में जैसे लगा के, और ये देखिए इस तरीके से मसाज देनी है। और ये सारी चीज़ें जो है जब हमारे बालों में अप्लाई करेंगे तो हमारे बाल खुद ब खुद हेल्दी हो जाएंगे। जब आप एक बार इसे यूज़ करेंगे, जब इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको खुद फील होगा ये कि हाँ ये कितनी अच्छी चीज़ जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी यूज़ करने के बाद ही इसका रिज़ल्ट देख पाएंगे। और बस मैंने अच्छे से ये अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसको लगा रहने दूंगी कम से कम 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद मैं अपने हेयर वॉश कर लूँगी, शैम्पू कर लूँगी, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे बाल कितने अच्छे से स्मूथ हो जाएंगे, शाइन करने लगेंगे और डैंड्रफ भी कुछ हद तक मतलब कम हो जाएगी। और इसको मतलब वीकली आप बनाकर, आप हर सर्दियों वीकली इसको बनाकर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे आपके हेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं अपने हेयर वॉश करने के बाद, आपको दिखाती हूँ। तो बस मैंने शावर ले लिया है और मेरे हेयर भी वॉश हो गए हैं और अभी शाम का वक्त हो गया तो मैं चाय पीने लगी हूँ। और ये देखिए मेरे कितने स्मूथ और कितने सिल्की हेयर हो गए हैं और एकदम मतलब सॉफ्ट हो गए, बहुत अच्छे हो गए। तो ये जो रेमेडी है ना बहुत ही अच्छी है, तो मैं तो इसको मतलब महीने में एक आध बार मैं इसको ज़रूर कर लेती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी चाय एंजॉय कर रही हूँ और शूट कौन मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और अभी इनको बारात में जाना है, ये अभी रेडी होंगे बारात में जाएंगे और मुझे नहीं लेके जा रहे और देखियो मेरे बाल कितने बढ़िया मस्त अच्छे हो गए ना, है ना, मुझे बोलो हाँ, हाँ, हो गए। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, अभी तैयार होंगे जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सब शेयर करेंगे। और ये देखो तैयार होने से पहले ये बस थोड़ी सी गाड़ी साफ करने के लिए आ गए थे और ये मेरी हुरैन बैठी हैं, माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही हैं गाड़ी में ये बैठी हैं। तो बस मेरा ये कहना है कि जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, जो पहली बार आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें तो इससे मुझे खुशी मिलती है, और माशाल्लाह भी ज़रूर बोलिएगा। आयद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने तेरी अच्छा अच्छा चाय पे बुलाया है। बुला चुकी मम्मी मुझे, सॉरी आपको, चाय पे आज से 8-9 साल पहले। ठीक है, और ये गाना नहीं गाओ इनको फायदा, यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे दे यूट्यूब का तो बड़ा मसला है, हर चीज पे कॉपीराइट देते हैं। नहीं आप भी नहीं गाओ तो उसको भी दे दे कहीं पीछे कोई रिंगटोन भी बजेगा तो उस पे भी कॉपीराइट आ जाएगा। तो बस अब आप ये तैयार हो रहे और इसके ऊपर जाएगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ऊपर कोर्ट। अच्छा वो करेंगे नहीं, क्या कहते हैं, फेस वॉश करेंगे नहीं, तो हमें वो चाहिए वाइट, अपना ब्लैक चेहरा वाइट करने के लिए। और इनका देखो कितना कलर ही डाउन हो गया, ये काला मुंह करा क्या अच्छी लग रही शर्ट, शर्ट तो अच्छी लग रही है। चलो आ तैयार कर दे, कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, कोई बात नहीं। क्या बोलना, अस्सलाम वालेकुम सभी को। तो ये सूट वूट पहन के हो गए रेडी एकदम, टाई और कोट इनका ये पहनेंगे बारात में, तो ये जा रहे हैं बारात में और तैयार हो गए। हाथ नहीं पहुंच रहा वहां ऊपर तक, ज्यादा ही ऊपर पहुंचा दिया।
नहीं नीचे भी दिखाते ना, अच्छा आप दिखा रहे हो, पैंट और शूज भी दिखा रहे ना, लाम दिखा रहे, कैसे लग रहे हैं? तो बस जाओ और जाओ जी लो अपनी जिंदगी, एंजॉय करें, अब एंजॉय करो और बस। लेकिन ऐसे भी कुछ नहीं होता, काले लोगों को भी पसंद कर लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर काले लोगों को पसंद नहीं किया जाता तो तुम्हें कैसे पसंद आ जाते? पहले आप गोरे थे, अभी अभी काले हो गए, पहले सही पहले थे। पहले गोरे थे, मतलब सही थे। आ गए, वालेकुम अस्सलाम। तो बस ये पूरे रेडी हो गए, अवान को भी ले आए हैं ट्यूशन से, अब ये जाने लगे हैं और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं करती हूँ। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए भी कर मत जाइएगा। तो मिलती हूँ मैं नए और एक मज़ेदार से ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।